अभी हमें एक्साइज ड्यूटी लगाना है, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी कब लगती है? एक्साइज ड्यूटी लगती है टुबैको वगैरह के प्रोडक्ट्स हैं या शराब वगैरह का है, तो उसमें एक्साइज ड्यूटी लगती है। अब अभी हम उसी के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्साइज ड्यूटी का यूज करेंगे। तो हम एक नई कंपनी बनाते हैं, नई कंपनी में एक्साइज ड्यूटी यूज करेंगे, जल्दी से बना लेते हैं नई कंपनी। तो मैं यहाँ पर नई कंपनी बना रहा हूँ, क्रिएट कंपनी पर जाकर के, और यहाँ पर मैं एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज टैक्स के नाम से ही एक नई कंपनी बना लेता हूँ। ये एक्साइज टैक्स है और यहाँ पे एक्साइज टैक्स के ही नाम से एक कंपनी बना रहा हूँ। एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, यहाँ पे जो एड्रेस है वो एड्रेस आएगा। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, एक्साइज में शराब वगैरह के जितने प्रोडक्ट्स आते हैं वही सारे आते हैं, ठीक है। तो उन पर भारी भरकम टैक्स लगाया जाता है और उससे गवर्नमेंट को काफी ज्यादा आमदनी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये एंटर कर लिया है। अब यहाँ पर एक्साइज टैक्स इनेबल करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। जीएसटी को ऑफ करूंगा, जीएसटी नहीं चालू रहेगा। और यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी देखिए कैसे चालू किया जा रहा है, एक्साइज ड्यूटी ऑन हो गया। यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए देवरिया का, देवरिया का ये पिन कोड है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप वगैरह सब मेंशन हो जाएगा। यहाँ पर ऑल्टर करना होगा आपको टैरिफ की डिटेल को, ठीक है। अब यहाँ पे टैरिफ नेम कुछ भी इस तरीके से दे देते हैं हम, फिलहाल तो समझने के लिए तो यही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दे दिया हमने। और यहाँ पर देखिए ये किसमें जो है परचेस किया जाएगा या सेल किया जाएगा, वो तमाम चीजें। तो किलो लीटर की बात करते हैं और इस पर रेट देते हैं 50%, यानी एक्साइज ड्यूटी 50% लगी हुई है। और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कराएंगे, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कराएंगे पहली एंट्री परचेज में, और कैश में ये एंट्री पास करेंगे कैश में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिसिप्ट में नहीं जा रहा हूँ, यहाँ से परचेज में चलते हैं और सीधा परचेज में एंट्री पास करते हैं। हालांकि रिसिप्ट में जाना चाहिए लेकिन मैं रिसिप्ट में नहीं गया हूँ, यहाँ पे परचेज में ही एंट्री पास कर लेते हैं। और ये कैश में करेंगे हम, इसी वजह से मैं रिसिप्ट में नहीं जा रहा हूँ, सीधा यहाँ पे एंट्री पास कर रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पे वो सारी चीजें आएंगी और यहाँ पे परचेज का एक लेजर आ जाएगा, और लेजर बना लीजिएगा परचेज का। ये परचेज का लेजर हो गया, एंटर करिए और इसे परचेज अकाउंट में डाल दीजिए। एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, और यहाँ पर भी एंटर एंटर कर देंगे। और ये सारे नंबर वगैरह सारे भर सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ। मेरा मेन मोटो ये है कि किस तरीके से हम ये एक्साइज ड्यूटी वाला टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पे लेजर बनाता हूँ मैं, किंग फिशर का, ठीक है। तो ये किंग फिशर लेजर नहीं बल्कि स्टॉक आइटम है हमारा, तो किंग फिशर का शराब बहुत ज्यादा बिकता है, तो ये इसी पे जो है ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंबल कर देते हैं, ये लीटर कर देते हैं और ये बॉटल में आएगा। यहाँ पे लीटर दे दिया हमने तो 3 कर दिया, क्योंकि डेसिमल वैल्यू भी एंटर करनी है तो 3 कर दिया हमने। और 1 लीटर में जो है 0.80 किलो लीटर होगा, ऐसा कुछ मैंने दे दिया है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। और यहाँ पर जो है 20 जो है लीटर का किंगफिशर बॉटल आया है और 110 का एक है, हालांकि 110 का मिलता नहीं है लेकिन 110 में मैंने कर दिया है। और यहाँ पर इस पर हम सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे, तो ये एक्साइज का एक लेजर क्रिएट करेंगे, EXCISE, यहाँ पे EXCISE एक्साइज ड्यूटी कर दीजिए, DUTY। तो एक्साइज ड्यूटी इस पे लगा रहे हैं, गवर्नमेंट को यही बहुत ज्यादा फायदा होता है, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। और यहाँ पर इसे हम किस में डाल देंगे, वहां पे डाल सकते हैं, डाल दीजिए, डाल दीजिए CN वैट पे डालिए, एक्साइज ड्यूटी ओनली, बेसिक एक्साइज ओनली करिए और यहाँ पे एंटर करिए, एंटर करिए और इसे एक्सेप्ट कराइए। तो यहाँ पे देखिए 1100 रुपये टैक्स आ गया एक्साइज ड्यूटी का, ठीक है। एंटर, यहाँ पे देखिए सीधा एक्साइज ड्यूटी आ गया। आप इसमें चाहे तो वैट भी ऐड कर सकते हैं, तो इसके नीचे आप चाहे तो वैट एक्टिवेट किया था वैट भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक्साइज ड्यूटी ही रखता हूँ, इस तरीके से आप एक्साइज ड्यूटी लगा सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।